लोकसभा सीट को लेकर आमने सामने क्यों है कांग्रेस जेडीएस? देवेगौड़ा की डिमांड से आखिर क्यों बड़ी कांग्रेस की मुश्किलें? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी से ही कांग्रेस और जेडीएस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में जेडीएस ने प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर दावा ठोककर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। अब बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा सीट पर दोनों दलों के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में जेडीएस ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जेडीएस ने अपने लिए इतनी ज्यादा सीटें मांग ली हैं कि कांग्रेस को उसे देना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आलम यह है कि इस संकट से निपटने के लिए कांग्रेस को मजबूरन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की शरण लेनी पड़ी है। कांग्रेस चाहती है कि ये तीनों नेता एनडीए के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी ले। उधर बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा सीट को लेकर भी दोनों दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस सीट पर पहले से ही पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की नजर है, तो वही कांग्रेस के एचएम रेवन्ना ने भी इस सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं बेंगलुरु नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहूंगा। इसके लिए मैंने यहां से तैयारी भी शुरू कर दी है। मैं यहां बैठ के कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में भी हूं। हालांकि उन्होंने इस फैसले को पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। वहीं सीटों को लेकर जेडीएस की डिमांड पर देवेगौड़ा ने भी कह दिया कि लेने और देने का मामला है और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस इसे समझेगी। खबर है कि इस महीने के अंत तक कांग्रेस और जेडीएस बैठकर सीट बंटवारे को लेकर बात करेंगे। इस सीट पर फिलहाल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डीवी सदानंद गौड़ा का कब्जा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीटों को लेकर कांग्रेस जेडीएस में कब तक बात बनती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।